हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नंदनी और स्वागत है आपका मेरे चैनल वर्ड्स ऑफ नंदनी में। तो क्या आप एंटरटेनमेंट वीडियोस या फिर अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स पर सीरीज़ और मूवीज़ देखकर बोर हो गए हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आप कुछ ऐसा करना चाहते हो कि आप इस टाइम का यूटिलाइज़ कर सको और अपने डे को प्रोडक्टिव बना सको, और एट द एंड ऑफ द डे आप ये फील कर सको कि आपका टाइम जो था वो वर्दी था, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे 8 ऐसी टिप्स के बारे में बात करूंगी जो अगर आप अभी फॉलो करते हो तो आपको आपका टाइम वर्दी लगेगा और आपको आपका डे प्रोडक्टिव लगेगा, प्लस आपकी जो स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होंगी, प्रोफेशनल स्किल्स भी आपकी इम्प्रूव हो सकती हैं अगर आप ऐसा करें तो, और पर्सनल स्किल्स भी आपकी इम्प्रूव हो सकती हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप मेरी कोई भी टिप मिस ना कर सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो होगा रीड बुक्स। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से आप अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए अपने आप को डाइट देते हो, फूड देते हो जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है, उसी तरीके से आपको आपके माइंड को भी डाइट देनी होती है, ताकि आपका जो सोचने समझने की शक्ति हो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सके और पॉजिटिव हो सके। तो आपकी जो माइंड की डाइट है वो होती है बुक्स या फिर उनसे मिलने वाली नॉलेज। जितना ज़्यादा आप अपने आप को बुक से फैमिलियर करोगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और इसीलिए मेरा जो ये पहला टॉपिक मैंने बुक्स रखा है, क्योंकि रीडिंग बुक्स बहुत ज़रूरी भी है, और आप अगर एक बार शुरू कर देना बुक्स रीड करना तो धीरे धीरे ये आपका इंटरेस्ट भी बन जाता है, आपको इंटरेस्ट आने लगता है बुक रीडिंग में, प्लस आपकी एक ये हॉबी भी बन सकती है। बुक रीडिंग न सिर्फ आपके माइंड को बल्कि आपकी पर्सनालिटी को भी निखारती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होती है आपकी सोचने समझने की शक्ति उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, उतने ही ज़्यादा आपके न्यू न्यूरॉन्स बनते हैं आपके माइंड में और आपकी जो लॉजिकल स्किल्स होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ जिस जो आप बुक्स जिस तरीके की पढ़ सकते हैं। तो अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके की बुक पढ़ सकते हैं, लाइक 7 Habits of Highly Effective People, या फिर आपके अवचेतन मन की शक्ति यानी कि द सबकॉन्शियस माइंड। इसके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है। ये आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से वर्क करता है ये सिखाती है। या फिर आप कुछ इस तरीके की बुक भी पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल द पावर ऑफ नाउ और यू कैन हील योर लाइफ। ये तो हो गई आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बुक्स, ठीक है। अब अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए और आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको ये बुक रेकमेंड करूँगी, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। दिस बुक इज़ रियली वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग। आप अगर आप, क्योंकि क्या होता है हमारा नॉर्मली जो करिकुलम है स्कूल कॉलेजेस में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एजुकेशन को इग्नोर किया जाता है, तो ये अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में असेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों के बारे में डिफरेंशिएट करना आपको इस बुक ये बुक सिखाती है। और मैं आपको पर्सनली भी रेकमेंड करूंगी कि आप एक बार लाइफ में ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। आपका जो है पैसों की तरफ खर्च करने का जो नज़रिया है वो आपका ये बुक चेंज कर देगी, दैट आई कैन गारंटी यू। अगर आपके पास ये बुक्स है या इसकी हार्ड कॉपी आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास ये बुक्स नहीं है और आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको अमेज़ॉन का एक किंडल एडिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ये बुक्स जो है इजीली पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक है आइडेंटिफाई योर हॉबी। अगर आपको पता है कि क्या आपकी हॉबीज़ क्या है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता, कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमारी हॉबी क्या है, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है अपनी हॉबी को आइडेंटिफाई करने का। जो भी चीज़, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जिसके करने में आपको खुशी मिलती है, जैसे कि अगर आपको मान लीजिए डांस करने में खुशी मिल रही है, या फिर आपको ड्राइंग करने में खुशी मिल रही है, या फिर आपको कुकिंग करने में खुशी मिल रही है, या फिर आपको गाने में खुशी मिल रही है, तो ये समझ सकते हैं आप कि ये आपकी हॉबी है, और इस हॉबी को आप स्किल्स में इस टाइम को यूज़ करते हुए कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं इंटरनेट पे, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है आपको सिखाने के लिए कि किस तरीके से आपको सिंगिंग करनी चाहिए या डांसिंग करनी चाहिए,
या फिर कुकिंग करनी चाहिए, आप अपने इन चीज़ों को निखार सकते हैं इस टाइम पे प्रैक्टिस करके। तो इस टाइम पे आप एंटरटेनमेंट देखने की बजाय इन चीज़ों में अपना टाइम लगा के अपनी हॉबी को स्किल्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब अगला बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स। अब टेक्निकल स्किल्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप डेवलपमेंट सीखिए या प्रोग्रामिंग सीखिए या फिर आप कोडिंग कीजिए। टेक्निकल स्किल से मेरा मतलब है कि आप जैसे बेसिक चीज़ें हैं जो कि जैसे मान लीजिए एक्सेल, एडवांस एक्सेल आप सीख सकते हैं इस टाइम पे, फोटोशॉप सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग अगर आप यूट्यूब पे आगे अपना करियर बनाना चाहें या फिर किसी भी तरीके का, तो आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन फ्रीलैंसिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ों की स्किल्स हैं तो आप हाँ ऑनलाइन फ्रीलैंसिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। दुनिया भर की फ्रीलैंसिंग वेबसाइट्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी जिन पे कि इन कामों को करने के पैसे मिलते हैं आपको, अगर आपकी स्किल्स इन चीज़ों में है। तो जैसे कि आप कंटेंट राइटिंग भी सीख सकते हैं और कंटेंट राइटर को बहुत अच्छा स्कोप है आगे आने वाले टाइम पे और इस टाइम पर भी। इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की जो कि है लर्न अ न्यू लैंग्वेज। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और आपको ये मालूम है कि आगे आने वाले टाइम पे और इस टाइम पे भी इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जिसकी की डिमांड होगी ही होगी फ्यूचर में, तो आप इस चीज़ में अपना टाइम लगाकर अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको आप मीडियोकर लेवल से एडवांस या प्रोफेशनल लेवल पर लेकर जा सकते हैं अपनी इंग्लिश को। या फिर अगर आप इंग्लिश में ऑलरेडी प्रोफेशन हैं, अगर आप ऑलरेडी प्रो हैं इंग्लिश में, तो आप कोई और लैंग्वेज सीख सकते हैं जैसे कि जर्मन हो गया या फिर फ्रेंच हो गया, इसी तरीके की कोई और लैंग्वेज जो आपकी स्किल्स को एक लेवल अप कर देगी, जिससे कि जो आने वाला कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन है उसमें आपको जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि आपकी स्किल्स बाकियों से थोड़ा एक लेवल ऊपर हटके है। अगला पॉइंट है गेट फिट बाय एक्सरसाइजिंग। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता क्योंकि हमें जॉब पे जाना है या कॉलेज जाना है या फिर कोई भी काम है, तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते या योगा नहीं कर पाते। तो ये आपके पास टाइम है अपने आप को फिजिकली फिट करने का। अगर आपकी शेप थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई है तो वापस से शेप में आने का ये आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है। आप इस टाइम को यूज़ कर सकते हो एक्सरसाइज करने में, योगा करके अपने आप को फिट रखने में। अगला बात करते हैं स्टार्ट समथिंग योर ओन। अब आप में जो अगर आप में कुछ भी ऐसा टैलेंट है, जो कि मेरा मानना है कि ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ अ यूनिक काइंड ऑफ टैलेंट, बस अगर ज़रूरत होती है तो उसे ढूंढने की और निखारने की। तो अगर आप में ऐसा कोई टैलेंट है कि आप कुछ अपना स्टार्ट कर सको ऑनलाइन, जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हैं अपना चैनल बना के, या फिर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, किसी भी आपको नंबर ऑफ टॉपिक्स मिल जाएंगे जैसे कि टेक हो गया, कुकिंग हो गया, डांसिंग हो गया, फैशन और ब्यूटी हो गया, फिटनेस हो गया, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो या जिसमें भी आपकी आपका टैलेंट हो, वो चीज़ आप शुरू कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है आपको कुछ भी सीखने के लिए या शुरू करने के लिए। तो कुछ ऐसा शुरू कीजिए कि आपका एक इनकम सोर्स, ये एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन जाए और ये टाइम का यूज़ भी हो जाए। अगला पॉइंट है राइट जर्नल्स और बुक और नॉवल। आप जर्नल्स लिख सकते हैं इस टाइम पे, यानी कि अपनी डायरी लिख सकते हैं। आप अपने पूरे दिन का जो भी आपने पूरा दिन में आपका रूटीन रहा हो, एट द एंड ऑफ द डे आप अपना एक डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें की, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप क्या हैं। यकीन मानिए जब एक से दो साल बाद अगर ये लगातार आप लिख रहे हैं और एक से दो साल बाद भी अगर आप उसको वापस से अपने पहले का जो जर्नल्स हैं दो साल बाद, तीन साल बाद, पाँच साल बाद जब आप पढ़ेंगे और जब आप ये देखेंगे कि आप उस टाइम पर क्या थे, उस टाइम पर आपकी क्या स्किल्स थी और उस टाइम पे आप कहाँ स्टैंड करते थे और आज आप कहाँ पर हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं, आज आपकी जो कॉम स्किल्स है या फिर जो राइटिंग स्किल्स है कितनी इम्प्रूव हुई है, ये देख के आपको दिल से खुशी होती है। ये मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ। मैं 10th क्लास से जर्नल्स लिख रही हूँ और मैं डेली डायरी लिखती हूँ, और आज जब मैं वो अपनी पुरानी डायरीज पढ़ती हूँ जब मैं 10th क्लास में हुआ करती थी, तब मेरी राइटिंग स्किल्स किस तरीके की हुआ करती थी, बस जो मन में आता था वो मैं लिख दिया करती थी, और आज एकदम बिल्कुल सिर्फ चेंज उसमें मुझे दिखता है। तो ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगता है खुद की इम्प्रूवमेंट देख के।
और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आप को बिजी रखने का इन अ गुड वे। दूसरा, अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आप बुक लिख सकते हैं, नॉवल लिख सकते हैं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर कि आप अपनी ई बुक्स सेल कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो अगला हम बात करते हैं कि स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड विच वी मोस्टली इग्नोर। हम मोस्टली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना एक्चुअली समझ नहीं पाते कि हमें करना कैसे। बेशक हम साथ में बैठे हैं, लेकिन अगर हमारे पास मोबाइल और लैपटॉप है और हम उसमें लगे हुए हैं तो इसको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना नहीं कहेंगे। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मतलब है कि आप अपने फ़ोन और लैपटॉप को दूर रखिए और आपस में बात कीजिए अपनी फैमिली से, अपनी पूरा जो आपका जो आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं आप उनसे शेयर कीजिए, उनकी सुनिए, और इस तरीके से आप अपने टाइम को स्पेंड कीजिए। ये इट्स लाइक अ मेडिटेशन। जिस तरीके से मेडिटेशन करने से आपको सुकून मिलता है ना, उसी तरीके से आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से सुकून मिलता है। जैसे कि अगर आपके सब किड्स हैं तो आप उनके साथ खेल सकते हैं। आई हैव अ 1 ईयर ओल्ड किड एंड आई रियली लव प्लेइंग विद हिम। तो आप भी कुछ इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, इस तरीके से अपने टाइम को इस टाइम को इंजॉय कर सकते हैं। आई नो कि अभी बहुत ही टफ टाइम चल रहा है, हर जगह जहाँ पर देखिए टेंशन टेंशन का ही माहौल है, लेकिन आप मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स या फिर ज़्यादा जो है इस टेंशन भरे माहौल में मत रहिए। इस टाइम को पॉजिटिवली यूज़ कीजिए, आपको अच्छा फील होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपकी इससे थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी आप अगर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।